हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल टेक्नो। कल की क्लास में हमने जो इसरो का VSSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को, उसके हमने 45 क्वेश्चन कर लिए थे और वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। कल की क्लास जिसने भी नहीं देखा हो एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन वहाँ पे हैं और आधे क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगी। कल बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था और क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, इसरो में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन करना तो थोड़ा टाइम होता है ना। तो इस कारण से मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को देखना है, ये आपका सेकंड पार्ट है। जिसने भी नहीं देखा है इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। पहले जाके आप पहला पार्ट देख लीजिए, वहाँ पे 45 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे 46 क्वेश्चन नंबर से। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 46 है आपका, ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये जो 46 है यहाँ पे पूछा है कि ट्रांसफार्मर किस आधार पर कार्य करता है। यहाँ पे बोला है, ये देखो, यहाँ पे बोला है कि ट्रांसफार्मर किस आधार पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वर्क बेस्ड ऑन, सभी को मालूम है कि ट्रांसफार्मर दो कॉइल्स होती हैं आप लोगों की, ये प्रथम पहली वाली कॉइल और ये आपकी ये हो गई सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में फ्लक्स आपका बनता है तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेकेंडरी पे बनने लगता है, यानी कि इसमें म्यूचुअल इंडक्शन इसमें क्या होता है, मतलब इसमें प्रेरित होता है, डैट मीन्स अन्योन प्रेरण जिसको कहते हैं ना। तो ये किस पे काम करता है, अगर इसका प्रिंसिपल पूछा जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन इसका क्या हो जाए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्योन प्रेरण। यानी कि अगर हम पहली वाली आपकी जो कुंडली है, पहली वाली जो कॉइल है, उसको अगर हम सप्लाई दे रहे हैं और पहले वाले में सप्लाई देने की वजह से दूसरी वाली जो है वो प्रेरित हो जाए, है ना, इंड्यूस हो जाए, तो इस हिसाब इसको हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा आंसर था आप लोगों का क्या, अन्योन प्रेरण। तो 46 क्वेश्चन नंबर आप लोगों से बन जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 47 पे। देखो यहाँ 47 पे क्या बोला है, 47 पे यहाँ पे आप लोगों का बोल रखा है, अपचयी परिणामित्र की प्राथमिक निवेश आवृत्ति एफ है, उसकी द्वितीयक निर्गम आवृत्ति क्या होगी। प्राइमरी इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, चाहे ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप हो चाहे आपका स्टेप डाउन हो, हमेशा याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी को लेके, तो ट्रांसफार्मर की जो फ्रिक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं होती है। डैट्स वाई इसका जो आंसर होगा कि प्राइमरी इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज एफ, सेकेंडरी आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज, तो सेकेंडरी भी आपकी क्या होगी, एफ ही होगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इसकी आवृत्ति क्या होती है, चेंज नहीं होती है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रखा है आपसे, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विथ 20 टर्न, कितने टर्न है, 20 टर्न है इन प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 444 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज। अब आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला है निकालने के लिए, कि भाई पहले क्वेश्चन इंग्लिश में बता दिया, अब हिंदी में भी सुन लो, कि आपका एक आदर्श परिणामित्र है, आपका एक ट्रांसफार्मर है, कैसा है, आइडियल है, आदर्श है, जिसमें प्राथमिक यानी कि प्राइमरी में जो टर्न्स है वो कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि कितने वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, 444 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और देन उसके बाद उसने बोला है कि फ्लक्स घनत्व कितना है उसका, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो वहां पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = क्या होता है आपका, 4.445 F φN, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। ठीक है, जब भी आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, और जहाँ आपको मालूम है कि जो फाई होता है, जब भी हम फाई यानी फ्लक्स की बात करते हैं तो वो होता है B into A होता है, ये भी दोनों फॉर्मूले आप पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ईजिली पुट करना है 4.44 into, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ दी है, फाई की जगह पे हम B into A क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो हमने लगा लिया भाई यहाँ पे B into A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इंटू टर्न यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 20, तो हमने 20 का 20 टर्न वैसे का वैसा ही ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो E = 4.44
इंटू 50 इंटू, अब यहाँ पे बी, बी यानी कि फ्लक्स डेंसिटी, वो यहाँ पे बोल रहा है जो आपका क्या दे रखा है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 का 1 वैसा ही लिखना है आपको, ए वैसा का वैसा ही लिखना है, 20 का 20 वैसे ही लिखना है। ईएमएफ यहाँ पे यानी कि जो वोल्टेज है वो कितना दिया है, 444। तो अब ई की जगह पे आप 444 पुट कर देना, 4.44 हुआ आपका, यहाँ पे आया 50, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे 20। अब आई होप आप लोग निकाल सकते हो बहुत इजीली तरीके से। हमें ए निकालना है तो नीचे कौन कौन से आपकी क्वांटिटी चली जाएंगी, 4.44 यहाँ चला जाएगा, 50 आ जाएगा नीचे, 1 आ जाएगा नीचे, 20 आ जाएगा नीचे, और ये क्या हो गया आपका ए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर हम 00 लगा सकते हैं। अब ये 444 से ये 444 आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 हमने ये कैंसिल कर दिया, 21 जा 2, 25 जा 10 ये कर दिया, 5 और 5 1 जा 5 ये आगे हमारा 0। ठीक, यानी कि हमारा क्या बचा, 1/10 क्या आया हमारा, एरिया आया। 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो आप लोग, है ना, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए आप लोगों को। फॉर्मूला याद रहेगा तो सब बनेगा, फॉर्मूला तभी याद होगा जब आप लोग उसकी थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोगों को ईजिली बनेगा, है ना। अब देखो आगे बढ़े, 49 में बोला है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज फुल लोड कॉपर लॉस। देखो स्टेप अप आपका ट्रांसफार्मर है, उसमें फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना है, 400 है, तो वहाँ पे हाफ लोड पर कितना होगा कॉपर लॉस, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे आंसर देना है कि फुल लोड पर अगर कितना है, 400 है, तो हाफ लोड पर कितना होगा ये आपको बताना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं लोड के अकॉर्डिंग, है ना, तो लोड के अकॉर्डिंग आपका, जस्ट 1 सेकेंड, है ना, 1 मिनट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हाँ ठीक है। हाँ देखो, लोड के अकॉर्डिंग आपका, जब भी हम लोड को क्या करते हैं, आधा करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, लोड को आधा करते हैं या लोड को चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से आपका क्या होता है, कॉपर लॉस चेंज होता है, है ना, क्योंकि वो किस पे डिपेंड रहता है, लोड पे डिपेंड रहता है आपका कॉपर लॉस। लेकिन वही अगर हम आयरन लॉस की बात करते हैं तो आयरन लॉस क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, आयरन लॉस कभी नहीं बदलते हैं। तो ये आप लोगों को बताना है भाई कि अगर आप लोगों का फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना है, 400 है, तो ये हाफ लोड पे क्या होगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसा कि हमने बात कर रहे थे यहाँ पे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, फुल लोड कॉपर लॉस कितना दिया है, 400 दिया है, तो यहाँ पे पूछा है कि आपका हाफ लोड पे क्या होगा। ठीक है, एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ कि चाय पढ़ना मित्र में 400 वाट का पूर्ण भार ताम्र हानि होती है, पूर्ण भार के आधे पर ताम्र हानि कितनी होगी। आपको मालूम है कि आयरन लॉस जो होते हैं भाई, वो कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं, लेकिन जो कॉपर लॉस होते हैं वो लोड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो हमें मालूम है यहाँ पे सीधा सीधा कि कॉपर लॉस जो होते हैं वो क्या होते हैं, I²R, यही होता है कॉपर लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि भाई फुल पे कितना था, यहाँ पे बोला कि फुल लोड पे कितना था, ये 400 वाट था। तो यहाँ पे जब हमें हाफ लोड का यहाँ पे पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई, क्या होता है, I²R होता है, I² यानी कि हाफ कर दो, हाफ बोला है हाफ लोड पे इंटू आर, यहाँ पे कितना दिया गया है भाई आपको, 400 दिया गया है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 1/4, यहाँ 400 आपने किया तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 वाट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका हाफ लोड पे कितना हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ पे बोला है द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर्स इज एंगस्ट्रॉम इज। देखिए जो वेवलेंथ जो होती है तो वो अलग अलग कलर पे अलग अलग होती है। आपको मैं बता दूं कि येल्लो की अलग रहेगी आप लोगों की, रेड की अलग रहेगी, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले एक वो दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना, देखो ये एक डायग्राम है, यहाँ से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई जब भी हम बात करते हैं किसी की वेवलेंथ के बारे में
तो चाहे आपका रेड कलर बोले, ऑरेंज बोले, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, यही होता है। सबके यहाँ पे दिए गए हैं कि भाई इनकी वेवलेंथ कितने एंगस्ट्रॉम पे होती है। तो रेड वाली कितना दिया गया है आपकी 7000 दिया गया है, ऑरेंज की आपकी 6200, येलो की इसी प्रकार आपकी दी है, ग्रीन की, ब्लू की। तो आपको क्या करना है, ये टेबल आप लोगों को कहीं पर लिख लेना है या याद कर लेना है। हो सकता है इस बार आपसे रेड पूछा गया हो, अगली बार आपसे ग्रीन पूछ लिया जाए या येलो पूछ लिया जाए। तो इस हिसाब से रेड जो रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, 7000 रहेगी, और आपको ये याद कर लेना है, इसलिए मैंने ये टेबल आप लोगों को यहाँ पे दिखा दी है। ओके, देखो आगे बढ़े। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे भाई कि आपका क्या था, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो आप लोगों की 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ओके, देखो नेक्स्ट पढ़ें 51 क्वेश्चन नंबर। देखो 51 क्वेश्चन नंबर भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक समझने की थोड़ी सी बात है। समझने की क्या बात है वो अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अ कॉपर वायर इज सर्टेन लेंथ, पहले देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं, हाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पे बोला है अ कॉपर वायर ऑफ सर्टेन लेंथ हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम, ठीक है। इट इज ड्रॉ आउट टू 4 times इट्स लेंथ विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। आपसे बोला गया है कि तांबे के एक तार का प्रतिरोध आर है, आपके पास तांबे का एक वायर है, उसका जो प्रतिरोध दिया है, उसका जो रेजिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, आर दिया गया है, ठीक है। आयतन में परिवर्तन किए बिना, आयतन यानी उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया है, उसके बाद क्या बोला है, इसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ाया गया, इसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ाया गया, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि तार को खींच के लंबा किया गया है, ठीक है। अगर तार को आपको देखो क्वेश्चन में अगर आपसे बस ये बोल दिया जाए कि तार को 4 गुना कर दिया गया है, तार को 3 गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, ठीक है। अगर जब तक ये ना बोले कि खींच के 2 गुना कर दिया गया, खींच के 4 गुना कर दिया जाए, ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे ऐसे शब्द नहीं दिखाई दे रहे हैं जो खींच के उसने लंबाई को 4 गुना किया हो या 4 गुना बढ़ाया हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। डैट मीन्स अगर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एल अगर हमारा क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो हमारा आर भी इस कंडीशन में 4 गुना ही आना चाहिए, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए, 4 आर, ठीक है। इस हिसाब से ये पहला स्टेप, फर्स्ट मैंने ये लिख दिया, ठीक है पहला। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन देखो मैं दोनों तरीके से बता दे रही हूँ, वरना बाद में आप लोग मुझे बोलोगे मैम आपने ये गलत किया या मैम आपने वो गलत किया। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या बोलती है कि जब भी आपके क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में क्या बोले जाए, खींच कर वायर को अगर क्या करते हैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी करते हैं, तब क्या होता है आपका, तब आपका क्या होता है कि अगर लंबाई आपकी 2 गुना करते हैं खींच कर, तब क्या होता है आपका आर क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना गुना किया गया लंबाई को, लंबाई को किया गया 4 गुना, तब आपका क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, 16 गुना हो जाना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से आंसर आपका डी आना चाहिए। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि 4 आर आना चाहिए आंसर, कि 16 आर आना चाहिए। तो ये जब इसकी आंसर की आएगी तब हमें पता चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि वायर को खींच के लंबा किया गया। अगर खींच के उन लोग बोलते होते कि वायर को हमने क्या किया भाई, टेंशन उसका क्या हुआ, हमने बढ़ाया है, उसके बाद हमने 4 गुना किया, तो आपका क्या आता, 16 आर आता, है ना। लेकिन आपका ऐसा कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्टली आपको लिखा है इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया गया। तो भाई हमें पता है कि लंबाई को सीधा 4 गुना किया है, तो आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए 4 आर और इस कंडीशन में आना चाहिए 16 आर। तो ये अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बाकी इसकी आंसर की हम देखते हैं। जब आंसर की आएगी तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। 51 क्वेश्चन नंबर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि विच वन दिस हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। कई बार पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, महीने भर से क्लास लेती आ रही हूँ मैं, और आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि नेगेटिव कोफिशियंट किसके होते हैं, पॉजिटिव कोफिशियंट में क्या होते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका भाई कि नेगेटिव कोफिशियंट आपके सेमी कंडक्टर आते हैं, नेगेटिव कोफिशियंट इनका होता है सेमी कंडक्टर का। इसको डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखो यहाँ पे कथन पढ़ना है हमें, कथन अच्छे से पढ़ना है। क्या बोला है, एक कंडक्टर से जाने वाली धारा कंडक्टर के वोल्टता के समानुपाती होती है। कोई कंडक्टर से जाने वाली धारा कंडक्टर के वोल्टता के समानुपाती होती है, बशर्ते उसका तापमान स्थिर रहे। किस पर लागू होता है भाई, तो ये ओम का नियम होता है। पढ़ लो कथन, इतना ईजी है कि आप लोग कथन पढ़ के ही आंसर दे सकते हो, और तो किसी में ये होता नहीं है। तो ये किसने दिया है, ओम ने दिया है, तो ओम का नियम 100% करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, ब्रिज दृष्टि कारक का उपयोग किस लिए करते हैं। तो भाई ब्रिज आपका, जब भी हम ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें आपके 4 डायोड यूज़ होते हैं। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही उठा के 2-4 क्वेश्चन इसने डाले हैं, 2-4 नहीं बहुत ही ज़्यादा डाले हैं मेरे हिसाब से। तो 55 देखो, यहाँ पे इसने बोला है कि भाई यहाँ पे विद्युत चालकता के अनुसार, विद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है आपको, ठीक है, अवरोही क्रम में बताना है आपको, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले आपका आता है चांदी, फिर उसके बाद आता है आपका तांबा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सोना, उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। ये इसकी कंडक्टिविटी होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो रहा है, करेक्ट आ रहा है कि भाई सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पे सोना तो दिया नहीं गया है। अगर सोना गोल्ड होता तो हम एल्यूमिनियम के पहले गोल्ड हम लगा लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो हम सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम को सही मानेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है गलन गुणक है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। फ्यूजिंग फैक्टर आपको सभी को मालूम है कि भाई क्या होता है आपका फ्यूजिंग फैक्टर, पढ़ा होगा आप लोगों ने कई बार, इसके फॉर्म फैक्टर मैंने पढ़ाया है, फ्यूजिंग फैक्टर पढ़ाया है आप लोगों को। तो ए करेक्ट आंसर है आपका कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन में रेटेड करंट, ये क्या होता है, किसका मान होता है, फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है। ए आंसर इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, प्रतिबाधा के घटक है, प्रतिबाधा मीन्स इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की जब भी हम बात करते हैं भाई, जब भी हम इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो इम्पीडेंस में घटक कौन कौन से होते हैं, R होता है, L होता है और आपका C होता है। यानी कि फर्स्ट आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये आपके क्या है, कॉम्पोनेंट होते हैं इम्पीडेंस के। ईजी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन ईजी है। देखिए टफ क्वेश्चन आपको बस वही लगेंगे जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा न्यूमेरिकल दिया गया है ना, बाकी आप लोगों का सब ईजी ही दिया गया, कोई बस आप लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए है, कन्फ्यूज करने के लिए। यहाँ पे बोला है आपसे कि केवीए परिणामिति की 3 कला शक्ति निर्धारित करने का सूत्र क्या है। भाई आपका 3-फेज पावर ट्रांसफार्मर इन केवीए, तो क्या होता है, 3-फेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि √3 VLIL अपॉन में 1000, ये होता है आपका 3-फेज में। ये किस में होता है आपका, 3-फेज में होता है, और 3-फेज में भी कब होता है, लाइन टू लाइन में होता है। ये किस में होता है भाई, 3-फेज में लाइन टू लाइन जब हो तब होता है आपका ये 3-फेज में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3-फेज में लाइन टू न्यूट्रल, अगर आपसे पूछता है ना लाइन टू न्यूट्रल पूछता है, तो 3 VLIL अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ये जो होता है ये आपका होता है लाइन टू न्यूट्रल, ठीक है, ये किसके लिए होता है आपका, लाइन टू न्यूट्रल के लिए होता है, इसमें √3 नहीं आता है। अगर आपसे पूछता है भाई, अब बाकी तो दो छोड़ो, एक और मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है आपका KVA = V×I/1000, एक और ये होता है, ये भी आपको पूछ सकता है, हो सकता है, ये होता है आपका सिंगल फेज के लिए, किसके लिए होता है, सिंगल फेज के लिए। तो देखो
थ्री फेस के लिए हमने दो देखा कि भाई थ्री फेस में इसने पूछा केवीए में, तो के वी ए बराबर आपका क्या होता है अंडर रूट थ्री वी एल आई एल थाउजेंड, ये कब होता है लाइन टू लाइन होता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई लाइन टू न्यूट्रल के लिए, तो के वी ए लाइन टू न्यूट्रल के लिए क्या होता है थ्री, इसमें अंडर रूट थ्री नहीं रहता है, थ्री वी एल आई एल थाउजेंड, ये आपका क्या हो जाता है भाई किसके लिए हो जाता है लाइन टू न्यूट्रल के लिए हो जाता है। सिंगल फेस के लिए पूछा जाए तो वी इन टू आई थाउजेंड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, हो सकता है क्वेश्चन आपका चेंज करके कुछ और पूछ ले, तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे बोला है 59 क्वेश्चन में, देखो अब ये भी एक प्रकार से आपका न्यूमेरिकल आ गया है यहाँ पे, है ना, न्यूमेरिकल आया है यहाँ पे आपसे पूछा है। देखो एन इलेक्ट्रिक हीटर है रेटिंग, कितना रेटिंग दिया है 1 किलोवाट 230 वोल्ट टेकिंग 7 मिनट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100, फाइंड द एफिशिएंसी। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, एक आपके पास हीटर है जिसकी रेटिंग क्या है 1 kW है और 230 वोल्ट उसकी क्या है सप्लाई वोल्टेज है। अब कितना किलो पानी, तो 1 किलो पानी, कितना बोला है 1 kg वाटर, 1 किलो पानी का जो तापमान है वो 30 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाने में, ठीक है 30 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाने में कितना समय लग रहा है उसको, 7 मिनट लग रहा है 1 किलोग्राम पानी को 30 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाने में कितना मिनट लग रहा है, 7 मिनट लग रहा है। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी दक्षता क्या होगी, वो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है दक्षता का, कि जो एफिशिएंसी होती है दक्षता, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो होता है एच आउटपुट, पहला तो ये ले लिया, इंटू 100 अपॉन में होता है एच इनपुट, ये होता है हीट आउटपुट इंटू 100 हीट इनपुट। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि यहाँ पे पहले तो हम निकालते हैं कि भाई एच इनपुट हम यहाँ पे निकालते हैं, तो एच इनपुट हम निकालेंगे कैसे, पहले ये देखो एच इनपुट होता है पी इंटू टी। अब पी इंटू टी अगर हम यहाँ पे देखें तो पी यहाँ पावर कितनी दिया है 1 kW, तो 1 kW दिया है तो 1000 वाट यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 100% लिख सकते हैं, तो यहाँ आ गया आपका 1000 वाट। इंटू टी यहाँ पे कितना दिया है 7 मिनट, 7 मिनट को पहले आप चेंज करोगे किसमें, सेकंड में चेंज करोगे, यहाँ पे आप टी दिया है 7 मिनट दिया हुआ है, तो भाई 7 इंटू क्या करोगे 60 कर दोगे, है ना, तो 420 सेकंड आपका क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने रख लिया 420, ये हो गया हमारा इनपुट कंप्लीट। अब उसके बाद अगर हम आउटपुट निकालते हैं तो एच आउटपुट अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो एच आउटपुट आपने पढ़ा होगा एम एस डेल्टा टी, ये पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एम यानी क्या होता है आपका मास होता है, अब यहाँ पे मास कितना दिया है वाटर का मास, देखो यहाँ पे दिया गया है 1 kg, वाटर का मास 1 kg दिख रहा है, तो हमने मास ले लिया 1 इंटू। अब यहाँ पे आते हैं हम एस पे, एस यहाँ पे भाई आपका कितना दिया गया है, हाँ स्पेसिफिक, देखो अब एक चीज़ और, हाँ यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो S है वो स्पेसिफिक आप लोगों की ग्रेविटी होती है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्पेसिफिक जो होता है वो आपका कितना होता है यहाँ पे 4200 होता है, चाहे तो आप लोग सर्च भी करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस की जगह पे 4200 यहाँ पे लेना है आप लोगों को। ठीक है, जूल पर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जूल पर केजी ये भी लिख लो, एक काम करो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं, कोई भी आप क्वेश्चन करोगे तो यही आएगा। देखो मैं आप लोगों को आराम से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं जल्दबाजी में समझा के हटा दूंगी, तो आप लोग भी बोलोगे मैम समझ में नहीं आया है, बाद में कमेंट करोगे, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 4200 ये आपको लेना ही लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे बोला है डेल्टा टी, अब डेल्टा टी यहाँ पे कितना आ रहा है भाई हमारा, तो डेल्टा टी मतलब होता है आपका कि कितना चेंज हुआ। ठीक है, 30 था पहले और बाद में कितना हो गया 100 हो गया, यानी कि टोटल कितना हुआ 70, 100 में से 30 जाएगा तो आपका डेल्टा टी कितना आ जाएगा 70, तो यहाँ पे आप लोग क्या रख लोगे 70 रख लोगे। ठीक है, रख दिया, अब देखना 100% आपका आंसर आएगा ही आएगा चाहे कुछ भी हो। ठीक, आ जाते हैं वापस, पुट करें
यहाँ हमने एफिशिएंसी लिया एच आउटपुट, एच आउटपुट दिया है 1 × 4200 × 70। यहाँ एच इनपुट यहाँ पे हमारा कितना है भाई 1000 × 420। ये हो गया पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा वीडियो को पुश करो, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर 100% आपके सामने दिख ही रहा है। बताओ कितना आएगा। देखो एक जीरो से मैंने एक जीरो ये कैंसिल कर दिया, ठीक, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 42 से 42 कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद वन, अच्छा हाँ एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, देखो एफिशिएंसी यहाँ पे दी थी, कितना दिया है मास, कितना दिया है 1 kg मास दिया है, 1 kg, kg यानी किलो, 1000 हम लगा सकते हैं, यहाँ मैंने 1 पुट किया है, आप लोग 1 kg है तो यहाँ पे आप लोग 1000 पुट कर लेना, यानी कि हमारा 1000 और यहाँ पे हमारा कितना आ गया है भाई इंटू 70, ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है। नीचे का हमारा 1000 था, 1000 हमने वैसे ही लिया, 420 × 400, इसको हटा देना। अब इसको सॉल्व करके देख लो, पूरा सॉल्व करो, पूरा आप लोग सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा 70% आंसर आपका आएगा, 70% आपका आंसर आएगा, सॉल्व करके देखना। इंटू 100, अच्छा इंटू 100 नहीं लगाया मैंने, मैं वही तो बोल रही, इंटू 100 लगाना है यहाँ पे, ओके इंटू 100 यहाँ पे लगा लेना, इसको सॉल्व करके देखना। देखो सॉल्व करोगे, मैंने पूरी वैल्यू यहाँ पे बता दी है, अब यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व बस करना है, या देखो मैं ही बता देती हूँ बाबा, वरना बाद में आप लोग मुझे बोलोगे कि मैडम नहीं समझ में आया, मैडम कुछ नहीं बन रहा है, या ऐसा या वैसा कुछ भी बोलोगे आप लोग। देखो एक बार फिर से अच्छे से, यहाँ पे ऊपर क्या था भाई, एच आउटपुट इंटू 100, नीचे क्या था एच इनपुट, यही था, ठीक है। अब अच्छे से देखना, एच आउटपुट हमारा 4200 × 70 × 100, क्योंकि 100 दिया गया, 100 का 100। एच इनपुट जब मैंने अभी निकाला तो कितना था 1000 × 420, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 42 से 42 कैंसिल, ये 100 से ये 100 कैंसिल, आपका तब भी 70% ही बचा। देखो कुछ कुछ होता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब बोर्ड में करवाती हूँ तो मैं भी कुछ कुछ यहाँ पे लिखना भूल जाती हूँ, जिसके कारण से आंसर थोड़ा सा आप लोगों का हो जाता ऊपर नीचे, लेकिन अभी मैंने पूरा सही किया है। इससे पहले भी मैं अभी एक दो चीज़ भूल गई थी, जैसे 1 kg अभी मैं भूल गई थी, है ना, तो और 100 में भूल गई थी, तो ये याद रखना, क्योंकि जब यहाँ बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग वो हो जाता है, तो यहाँ पे याद रखना कि कितना आएगा आपका, 70% आंसर आएगा। बाकी मैंने फॉर्मूला तो बता दिया है बापा, इतने तो होशियार हो आप लोगों के, खुद कर लोगे, है ना, इतना तो। चलो आगे बढ़े आप, SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या है, बहुत ही बोरिंग सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ मैंने आप लोगों को, आप लोगों को इसका आंसर बन जाना चाहिए, ये मुझे नहीं बताना है बिल्कुल भी किसी भी हालत में। बताओ भाई आगे बढ़े, कैंडला आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ देखो, अब यहाँ पे बोला है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज 3 देन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज, रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया है 3 दिया है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपकी क्या होगी ये पूछ रहा है। यहाँ पे बात करें हम म्यू आर की, तो रिलेटिव परमिटिविटी आपकी क्या होती है म्यू नॉट, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी इसकी जगह पे बोल दिया है कितना दिया है 3, ये हमने पुट कर दिया भाई 3। अब आपसे पूछा है क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछा है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपकी ये होती है, ये होती है आपकी परमिटिविटी, ठीक है। निकाल लो कितना आ जाएगा 3 एप्साइलेंट नॉट, ये आ गया, यानी कि ए आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ये भी बन जाएगा। आगे बढ़े, फॉर्म फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग स्क्वायर वेव सिग्नल इज, देखो
यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, एक बार मैंने आप लोगों की क्लास लिया था, अभी बीच में ही मैंने क्लास ली थी, तो मैंने बताई थी कि फॉर्म फैक्टर जब भी हम बात करते हैं डीसी या स्क्वायर वेव में, किस में बात करते हैं भाई, डीसी या स्क्वायर वेव, है ना, डीसी या स्क्वायर वेव में इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 1.0 या आप बोल सकते हो 1, ठीक है, ये होती है। अगर वही आपसे पूछ पो बोल दिया जाए साइनसोइडल या फिर फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, या फुल वेव रेक्टिफायर में, तब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.11 होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 1.11 कब आता, जब साइनसोइडल बोलता या फुल वेव रेक्टिफायर बोलता तब आपका ये आ जाता। पहले भी बता चुकी हूँ, अभी मैंने फिर से बता दिया है, ओके। यहाँ देखो आरएल सर्किट का शक्ति गुणक है, तो भाई आरएल सर्किट जो होती है उसका शक्ति गुणक हमेशा आप लोगों का कितना होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कई बार मैंने पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इन अ लो पास आरसी सर्किट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज, तो देखो आरसी सर्किट है आप लोगों का, लो पास आरसी सर्किट, आरसी सर्किट फिल्टर है, मतलब जो फिल्टर है आप लोगों का लो पास आरसी फिल्टर है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उसकी क्या होगी वो यहाँ पे पूछ रहा है। लो पास मतलब भाई यहाँ पे आपका होगा वी इन, ठीक है, आर और क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, तो हमने बोल दिया भाई ये आर हो गया और ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका वी आउट, ठीक, इसी तरीके से होगा, ये आपका हो गया वी आउट और ये हो गया आपका वी इन, ये हो गया आर, ये हो गया सी, ठीक है, आर सी में पूछ रहा है यहाँ पे। अब एक चीज और देखो, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी याद रखना, आपसे एग्जाम में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी बोल सकता है, ब्रेक फ्रिक्वेंसी भी बोल सकता है, कॉर्नल फ्रिक्वेंसी भी बोल सकता है, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है और आप लोगों का टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है। अगर ये सब फ्रीक्वेंसी आए तो समझ लेना भाई वो इसी की बात कर रहा है, इसके दूसरे नाम है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले, ब्रेक फ्रीक्वेंसी बोले, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोले या टर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले, जो भी आपसे बोले, तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि उसका आंसर क्या होता है भाई, 1/2πr सी, ये आपका क्या आता है, आंसर आता है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है भाई, चाहे उसकी कट ऑफ हो, चाहे उसकी कॉर्नर हो, चाहे उसकी टर्न ओवर हो, जब भी हम बात करते हैं लो पास आलसी फिल्टर की तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, बी आ जाएगा, 1/2πr आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक फ्रिक्वेंसी, कॉर्नर या टर्न ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आगे बढ़े। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ 4-पोल लैप बाउंड जनरेटर इज, अब चलो भाई बता दो, तो भाई लैप बाउंड है तो हमने हमेशा पढ़ा है कि लैप बाउंड है तो जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ हमारे पास होते हैं, तो नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे कितने दिए हैं, 4 दिए हैं, तो पैरेलल पाथ भी हमारे पास कितने होने चाहिए, यहाँ पे 4 होने चाहिए, ठीक है। वेव बोलता तो वहाँ पे ओनली पैरेलल पाथ क्या आते, आपके 2 आते। अब देखो आगे, अ स्टेपर मोटर हैज स्टेप एंगल 1.25 डिग्री, डिटरमाइन शाफ्ट स्पीड इफ द स्टिपिंग फ्रिक्वेंसी इज 3600 ppsc, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन का मतलब वो बोल क्या रहा है, पहले ये देखो, यहाँ पे उसने बोला है कि भाई हमें बताना है शाफ्ट की स्पीड बताना है, कि एक स्टेपर मोटर है उसमें जो कोण दिया गया, जो एंगल दिया गया वो 1.25 है, स्टेपिंग आवृत्ति उसकी कितनी है 3600, तो शाफ्ट की गति निर्धारित हमें करनी, यानी शाफ्ट की स्पीड बतानी है। ये स्पीड हो गई आप लोगों की यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है, बी इंटू एफ अपॉन में 360, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देखो, अभी देखो, अब इस क्या करना है, फॉर्मूले में हमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। हमने भाई बी यहाँ पे, आपका बी यहाँ पे कितना दे रखा है, पहले तो ये देखो, 1.25 दिया है कि 25 दिया है, स्टेप एंगल है ना, देखो यहाँ पे बी क्या है,
स्टेप एंगल आपका दिया हुआ है, स्टेप एंगल कितना दिया है 1.25, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टेप फ्रीक्वेंसी है, स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी एफ क्या हो गई आपकी, स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, तो 1.25, ठीक है, 1.25 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, ठीक है, अपॉन में 36। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर बताना है, सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आएगा, बताओ। अब ऐसे तो आप लोग मुझे बताओगे नहीं, मैं ही सॉल्व करवा देती हूँ। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 36 से 1 टाइम 0, 1.25 इंटू 10 कर लेना, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ हेलो, हाँ तो क्या, हाँ कहाँ थी मैं, हाँ 1.25 इंटू 10 यानी कि 12.5 आपका क्या हो जाएगा, RPS आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लिया होगा आप लोग ने, ठीक है, आगे बढ़े। ये फॉर्मूला बस याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, बी आपका क्या है, स्टेप एंगल है, एफ क्या है आपकी, स्टेपिंग फ्रिक्वेंसी है, 360 क्योंकि एंगल दिया गया है तो भाई 360 हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये जो आपका ईटा बोल सकते हो या एन बोल सकते हो, जो बोलना है, तो ये आपका क्या करता है भाई, ये आप लोगों का होता है स्पीड, तो शाफ्ट स्पीड हम क्या कर रहे हैं भाई, ईटा से हम डिनोटेड कर रहे हैं, या आप इसको एन भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोल लो भाई, फॉर्मूला सामने लगा हुआ है, आपको बस इसे निकालना है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हाँ फिगर रिप्रेजेंट द सिंबल, ये भी करवा चुकी हूँ, किसका है, बजर का है, किसका है भाई, बजर का है, ये है ना, उल्टा हो जाता तो बैल हो जाता, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। क्लास एच विद्युत रोधक का उदाहरण है, तो क्लास एच विद्युत रोधक का जो उदाहरण होता है वो होता है आपका माइका, जिसको बोलते हैं अभ्रक। पूरी क्लास आप लोगों को पढ़ना है, चाहे क्लास एच हो आप लोगों का। देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन देखो यहाँ पे दिखा हुआ है क्लास एच। क्लास एच की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्लास एच में आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्लास फाइबर एस्बेस्टस। देखो आपका 69 क्वेश्चन, 68 में आपका क्या आ जाएगा भाई, देखो एक बार फिर बता देती हूँ, एक्सप्लेन द क्लास एच में क्या आ जाएगा, माइका आ जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को एक तो तबीयत खराब है ना, तो मेरा तो और वो हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लास एच में अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिखाया, डायग्राम में आप लोगों को ए क्लास का भी दिया है, ई क्लास का भी दिया है, सब आप लोगों को पढ़ के जाना है कि आगे अगर आप लोगों से मान लीजिए एच की जगह कुछ और पूछता है तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें माइका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला है जी सीरीज MCB, तो देखो जी सीरीज MCB जो रहता है आप लोगों का, तो वो बोला है प्रोटेक्ट सर्किट, किस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है भाई, तो वो आपका होता है इंडक्टेंस, या फिर कभी कभी इंडक्टेंस की जगह इंडक्टर भी दिया होता है, या उसके उदाहरण दे दिए होते हैं जैसे गीजर, है ना, तो गीजर भी आएगा, तो वहां पे आप लोगों को वहीं टिक करना है, गीजर पे ही टिक करना है, ठीक है। एक मिनट और, शायद मैंने इसका इमेज लगाया हुआ है, एक मिनट आप लोग देख लेते हैं ना, जस्ट वेट करो। हाँ देखो लगा रखा है यहाँ पे, यहाँ पे L सीरीज भी दिया है, G सीरीज भी दिया है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, G सीरीज MCB आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट सर्किट विद इंडक्टिव लोड। किस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, इंडक्टिव लोड को। दिस आर सुटेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, एयर कंडीशनर, हैंड टूल्स, हेलोजन लैंप एटसेट्रा। एल सीरीज का बोलेगा तो एल सीरीज का भी आपको यहाँ पे बता दिया गया, ये डिजाइन प्रोटेक्ट किया जाता है रजिस्टिव लोड के लिए, जैसे ये इंडक्टिव लोड के लिए ऐसे ये रजिस्टिव लोड के लिए, ठीक है। दे आर आइडियल फॉर प्रोटेक्शन हीटिंग आपका इक्विपमेंट रहता है, लाइक आप लोगों का गीजर हो गया, ओवन हो गया, जनरल लाइटिंग सिस्टम, ये सब हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अभी क्या बोला, आप लोगों को यहाँ पे जी सीरीज पूछा है, तो जी सीरीज क्या याद रखना आपको, इंडक्टिव लोड आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, वहाँ पे इंडक्टिव लोड ही दिया हुआ है, तो वो आप लोगों को वहां पे आंसर सही करना है, इंडक्टिव लोड, है ना।
हाँ, तो इंडक्टिव लोड आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है, इन अ अंडरग्राउंड केबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज मैक्सिमम 8। यहाँ पे बोला है कि जब हम अंडरग्राउंड केबल यहाँ पे लगाते हैं भूमिगत केबल में कहाँ पर स्थिर विद्युत तनाव अधिकतम होता है, तो स्थिर विद्युत तनाव जो होता है आप लोगों का कंडक्टर के सरफेस में हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जहाँ कंडक्टर का सरफेस होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो तनाव होता है जिसको स्ट्रेस बोलते हैं वो ज़्यादा होता है, तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, भाप विद्युत स्टेशन में प्रमुख ताप हानि कहाँ पर होती है, यानी कि आपका स्टीम पावर प्लांट स्टेशन पे है ना, बॉयलर दी, हाँ तो इसमें होती है भाई कंडेंसर में आप लोगों की सबसे ज़्यादा क्या होती है, आप लोगों की हानि होती है कहाँ पे, ये सब देखो इसके क्या दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं। भाप विद्युत स्टेशन में प्रमुख ताप हानि कहाँ होती है, हाँ देखो मेजर हीट लॉस ऑफ द तो बॉयलर। अब ये यहाँ पे ये ध्यान देना है आप लोगों को कि पढ़ा तो आप लोगों ने हर एक पार्ट होगा, है ना, पढ़ा तो हर एक पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर हानि की बात करते हैं तो हानि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, कंडेंसर में आपकी सबसे ज़्यादा हानि होती है। और एक बार आप लोग भी मिला लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ अब आते हैं ए और बी के, अंकीय द्वार के निर्गम एक्स ए प्लस बी बार निवेश है शामिल गेट किस प्रकार का। देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर हम यहाँ पे बात करते इस क्वेश्चन की बस बात करें तो ये सीधा सीधा आंसर क्या है आपका, नॉर गेट का। ये क्या है, नॉर गेट का। क्यों, क्योंकि जब भी हम और गेट की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करें और गेट की, तो वो क्या होता है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है, ये क्या होता है आपका और गेट होता है। अगर वही अगर हम बात करते हैं नॉर गेट की तो नॉर गेट क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार, ये हो जाता है आपका नॉर गेट और यही आपका क्या वहाँ पे दिया गया है। बाकी देख लो अगर आपका एंड गेट पूछता है, एंड गेट यहाँ पे पूछता है तो एंड गेट की जब भी हम बात करते हैं तो वो क्या होता है ए इंटू बी होता है। वही अगर पूछ ले नैंड गेट, वही अगर पूछ ले नैंड गेट तो वो क्या होता है ए इंटू बी बार हो जाएगा आपका नैंड गेट, ठीक है। तो एंड भी दिया है और भी दिया है नैंड भी दिया, तो मैंने सभी का बता दिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर आपका। हाँ देखो 1.5 वोल्ट की 8 सेलों को श्रृंखला और पार्श्व में संयोजित किया जाए तो कुल ईएमएफ क्या होगा। भाई कुल ईएमएफ आपको बताना है कि सबसे पहले तो भाई वो बोल रहा है कि पहले तो हमने किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। कितनी सेल हैं आपके पास, 8 सेल हैं, तो 8 सेल हैं सीरीज में जोड़ रहे हैं तो 8 इंटू 1.5 कर दो यानी कि 12 वोल्ट आ जाएगा सीधा सीधा। और वही अगर बात कर रहा है पैरेलल की तो पैरेलल में तो सेम ही होता है यानी 1.5 ही वोल्ट होगा, तो आपका इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि सीरीज में आपका 12 वोल्ट और पैरेलल में आपका 1.5 वोल्ट आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ डायोड स्टैंड फोर, यानी कि एक डायोड का शिखर प्रतिलोम वोल्टता निर्धारण रेटिंग का अर्थ क्या होता है। तो भाई शिखर प्रतिलोम वोल्टता निर्धारण रेटिंग का अर्थ ये होता है आप लोगों का कि उसका जो भी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है ना, यानी कि एक डायोड को भंग होने से पहले ही वो क्या कर देता है, रोक देता है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अधिकतम प्रति अभिनत वोल्टता जिसे एक डायोड भंग होने से पहले रोक सकता है, ये किसका अर्थ होता है भाई, तो ये अर्थ होता है आपका प्रतिलोम वोल्टता निर्धारण रेटिंग का अर्थ होता है, ठीक है। एक बार आप लोग भी मिला लेना। अब देखो यहाँ पे बोला है नीचे दिए गए में आप लोगों के पास एक जीनर डायोड दे दिया गया है जो वोल्टेज सप्लाई कितनी ले रहा है, 9 वोल्ट ले रहा है और आपसे पूछा है करंट आई का मान आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है कि यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को दे दे 18 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दे, यहाँ पे आप लोगों को एक और रेजिस्टेंस दे दे और यहाँ पे फिर उसके बाद सपोज मान लो यहाँ पे उसने एक क्या लगा दिया भाई, एक यहाँ पे जीनर डायोड लगा देता है वो सपोज ऐसे,
ठीक है, अगर ऐसे डायग्राम देता है तो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो आ जाएगा आपका 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर क्यों आएगा? सीधा सीधा सिंपल, आप लोगों को कुछ नहीं करना। आपको पता है भाई आई इजुकल्स टू क्या होता है? वी अपॉन आर होता है। वी आपका कितना दिया है? 18 दिया है, और आर यहाँ पे आपको कितना दिया है? 3 दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो टोटल वोल्टेज यहाँ पे 18 दिया गया है, टोटल वोल्टेज। लेकिन ये जो वोल्टेज 18 है, यहाँ पे जो रजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसका भी तो कुछ विभवांतर होगा ना, इसका भी तो कुछ विभवांतर होगा। अगर आप इसका विभवांतर निकालोगे तो भी आपका 9 वोल्ट ही निकलेगा। अगर आपको निकालते बनता है तो निकाल के देखना, इसका भी क्या आ जाएगा? 9 वोल्ट ही आएगा। कैसे निकालोगे भाई? तो वी इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी एस मान लो हमने इसके बीच का विभवांतर ले लिया। क्या ले लिया कि भाई इसके बीच का विभवांतर क्या है? वी एस है। दोनों तरीके से बता रही हूँ, पहले सुन लो अच्छे से, ठीक है, स्किप मत करना। पहले मैंने क्या बोला कि भाई अगर हम उसके वो उस रेजिस्टेंस के बीच का विभवांतर अगर मैं निकालती हूँ, ठीक, तो हमने क्या ले लिया है वहाँ पे? वी एस प्लस, और यहाँ पे विभवांतर किसका है? जेड, यानी कि जीना डायोड का। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? वी एस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? वी माइनस वी जेड। वी एस अगर हम निकालेंगे तो 18 माइनस 9, यानी कि वी एस भी आपका क्या आ जाएगा? 9 वोल्ट ही आएगा। यानी कि इसके बीच में जो विभवांतर है वो भी कितना आ रहा है? 9 वोल्ट ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई? यहाँ 18 नहीं रखेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपको 9/3 रखना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा? 3 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। आया 3 मिली एम्पियर। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे तो एक ही रेजिस्टेंस दिया, अगर ऐसा एक रेजिस्टेंस ना देकर कि इस टाइप का रेजिस्टेंस देता, तब क्या होता? तब आप क्या करते कि भाई पहले इसका विभवांतर निकालते आप, फिर इसका निकालते, देन उसके बाद जीना डायोड के यहाँ से क्या निकालते? करंट निकालते। अगर उस टाइप का डायग्राम आता तो मैं वो भी आप लोगों को सॉल्व करके बताती। प्रीवियस ईयर के पेपर में भी मैंने बताया है जीना डायोड का, और इस टाइप के डायग्राम भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं आप लोगों को। लेकिन ये तो बहुत ही आप लोगों का ईजी दिया गया था, ठीक है, तो उस हिसाब से बता रही हूँ कि चाहे आप लोग डायरेक्ट 9 रख के देखो तो भी आप लोगों का 3 आएगा, यहाँ पर आप लोग विभवांतर निकालोगे तो भी आपका 3 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है सीसा अम्ल सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीसा अम्ल सेल, यानी कि वो यहाँ पे बात कर रहा है लेड एसिड सेल की। तो लेड एसिड सेल में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डाइल्यूट H2SO4 होता है, और उसका एवरेज EMF यहाँ पे 2.1 दिया गया है, बाकी 2 वोल्ट होता है, 2.1 भी चल जाएगा। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आ नहीं रहा ना ये इस तरफ, इसी तरफ लगता, फिक्स कर दिया है सर ने। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे बोल रहा है, ये दिख रहा है आपको लेड एसिड सेल, दिख रहा है लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में पॉजिटिव प्लेट किसकी होती है? PHO2 की होती है। नेगेटिव प्लेट किसकी होती है? PV की होती है। इलेक्ट्रोलाइट के यूज रूप में हम क्या यूज़ करते हैं? डाइल्यूट H2SO4, और एवरेज EMF इसका कितना होता है? 2 वोल्ट होता है। तो ये पूरा दिया गया है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, चार्जिंग वोल्टेज भी दिया है, एफिशियंसी भी दी है, एम्पियर अवर में कितनी होती, वाट अवर में कितनी होती, तो ये भी आप लोग एक प्रकार से लिख सकते हो। कहीं पे नोट करना है तो नोट कर लो। लेड एसिड सेल का भी है और निकल आयरन सेल का भी आपको दे रखा है, निकल आयरन सेल का भी और लेड एसिड सेल का भी। एक और चीज देखो, आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी सेल प्राइमरी है, कौन सी सेल सेकेंडरी है। तो ये भी आपके काम आने वाला है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना कि प्राइमरी सेल के अंतर्गत कितने टाइप आते हैं, कार्बन, जिंक, जिंक क्लोराइड आपका, मैग्नीज, सिल्वर, लिथियम, मरकरी। सेकेंडरी सेल के अंदर ये आ जाते हैं आपके पूरे। तो आपको भाई ये भी एक तरफ से याद करना और एक तरफ से पढ़ लेना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये पूरे किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी में आ जाएंगे आपके, और ऊपर के पूरे आपके प्राइमरी, साथ ही साथ उसके वोल्टेज भी दे रखे हैं। तो ये भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों के लिए इजी होगा, है ना। देखो कोशिश किया करो कि कम से कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। हाँ, तो यहाँ पे क्या था आंसर? क्या आ जाएगा आपका? डी, इलेक्ट्रोलाइट क्या आ जाएगा? डाइल्यूट H2SO4। एवरेज EMF क्या आ जाएगा? 2.1।
आगे बढ़ें, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो भाई पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार एक एन प्रकार का क्षेत्र है, ओके। पीएनपी और एनपीएन दोनों प्रकार के द्विध्रुवी, ये तो सही है भाई हमारा। और क्या बोला है, पीएनपी ट्रांजिस्टर संग्राहक पीछे, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत वाला है ना, यानी ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी के बारे में आप लोग पढ़ना, पहला वाला हमें रॉन्ग समझ में आ रहा है, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। इसमें ये गलत दिया हुआ है कि आधार एक एन प्रकार का क्षेत्र है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। आगे बढ़ें, 78 देखो, 110 वोल्ट पर चलने वाले हीटर अवयव से प्रवाहित होने वाली धारा 5000 मिली एम्पियर है। हीटर अवयव का श्रृंखला प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध निकालना है, ओम्स लॉ यहाँ पे लगा दो तो आप लोगों का निकल आएगा कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है। R इज इक्वल टू, यहाँ पे V कितना दिया गया है, 110, I कितना दिया है, 5000, मिली दिया है 10^3 कर दो, ऊपर ले जाओ, नीचे वैसा का वैसा ही, 1, 2, 3, 1, 2, 3 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 22 ओम आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा 22 ओम, ठीक है। ये भी इजी है, बन जाएगा ये भी। Which of the following amplifier has maximum power dissipation? अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर में मैं आप लोगों को जब सॉल्यूशन करवा दी थी तो हमेशा हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्टॉर्शन में, है ना, कि मैक्सिमम पावर डिस्टॉर्शन किसका होता है। डिस्टॉर्शन कई बार आया है, मैंने आप लोगों को VSSC के प्रीवियस ईयर के पेपर कराया, उसमें डिस्टॉर्शन पूछता है। तो एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि जब भी डिस्टॉर्शन के बारे में पूछे, डिस्टॉर्शन के बारे में पूछे, तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्लास सी आना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिसिपेशन के बारे में पूछा रखा है, किसके बारे में पूछा है भाई, डिसिपेशन के बारे में पूछा है, तो आई थिंक यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, क्लास ए आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मे क्लास ए एम्पलीफायर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि उसकी विद्युत क्षय जो होता है वो उसका अधिकतम होता है, 25% ही शायद वर्क करता है वो, है ना। तो आप लोग एक बार इसको भी चेक कर लेना क्वेश्चन को, बाकी डिस्टॉर्शन तो 100% क्लास सी में होगा। साइनसोइडल एसी सिग्नल हैज 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आरएमएस वैल्यू क्या होती है भाई, कि जब भी हम IRMS निकालते हैं तो आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2 होता है। IRMS निकालो, आई नॉट यहाँ पे कितना दिया गया है आपको, 10 दिया गया है, 1.414 कर दो, IRMS आपका आ जाएगा 7.07, ठीक है। 7.07 कहाँ दिया है, डी में, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये पूरे 80 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पस से उनका आंसर कुछ और दिया जाता है, तो जब वो आंसर की आएगी तब हमें पता चल जाएगा। लेकिन मैंने अभी जितने भी 80 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए हैं, तो जो भी नीमी पैटर्न से जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जो भी नीमी पैटर्न में पढ़ा है या मैंने आप लोगों को पढ़ा है, उसी अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन भी कराया है। और उम्मीद है यही आंसर आप लोगों के आंसर की में भी आएंगे। अब जिसने भी एग्ज़ाम दिया हो तो वो यहाँ पर चेक कर सकता है कि भाई उसके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने क्वेश्चन वो सही करके आया है, तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सअप में बता सकते हैं कि मैम मेरे इतने सही थे या मैम मेरे इतने गलत थे, ओके। बाकी अब हम क्या करेंगे, NPCIL का जो एग्ज़ाम आने वाला है तारापुर का, वो हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों की जो नेक्स्ट डे से, मतलब कल से जो क्लास होगी वो NPCIL की ही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।